नमस्ते मित्रों, अ वॉर्म वेलकम टू आरटीवी। आज के इस एपिसोड में एक विशेष कार्यक्रम लेके आए हैं, प्रस्तुत करने की प्रयास कर रहा हूँ। हमारे साथ हैं यूसुफ भाई भोपाल के। मित्रों, हम सब जानते हैं कि हमारे भारत के कला क्षेत्र में बड़े बड़े दिग्गज कलाकार, कला योगी, कला तपस्वी बड़े बड़े कला साधना करके चले गए। उनके कॉन्ट्रीब्यूशन अपार है। उन्हीं में से एक बड़े दिग्गज हस्ती कला योगी जय स्वामीनाथन जी, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन की काफी सारे ऐसे पहलू हैं जो हमें, हम नहीं जानते, जो हमें ऊर्जा दे सकती है, हमें प्रेरणा दे सकती है, हमें एक नई उम्मीद दे सकती है, एक नई सोच दे सकती है। तो इन सब पहलू, इन सब अनुभव जानेंगे हम यूसुफ भाई के मुखांतर। यूसुफ भाई, अ वार्म वेलकम टू आरटीवी। आरटीवी में स्वागत है आपका। थैंक यू वसंत जी, आपने ऐसे पहलू पर बात करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैं अपने गुरु के बारे में, जो उनके विभिन्न पहलू हैं जो कभी पब्लिश नहीं हुए या बहुत सारे लोग उसको उस तरह से नहीं जानते, उनकी उस तरह से जीवन यात्रा को जान सकेंगे। उनके जो कलात्मक पक्ष है और बौद्धिक पक्ष है उसको तो सभी जानते हैं, कई बार उसमें छपा भी, पब्लिश भी हुई है बहुत सारी चीज़ें, उनके बारे में लेख भी लिखा गया है। मगर ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ कहीं वो लिखने पढ़ने में आती नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है जो उनके आसपास थे या उनके बहुत नज़दीक थे। मैं उनके साथ करीब करीब 10 साल रहा हूँ और शुरुआत में मैं उनके भोपाल में उनका जो घर था उसी में आके रहा, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें देखने को, जानने को मिली और उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित भी किया अपने विचारों से और अपनी बौद्धिक क्षमता से। वो सच में बड़े ज्ञानी थे, ऐसे ज्ञानी मैंने कलात्मक क्षेत्र में मेरे को कोई मिला नहीं जैसा स्वामीनाथन जैसा मिला। क्या उनकी बात? बड़ी विलक्षण बुद्धि थी और वो हमेशा मुझसे ये कहते थे, किसी सब्जेक्ट पर बात करता था तो मैं, वो बोलते थे, यूसुफ मैं लेफ्ट बोलूं कि राइट बोलूं, तो दोनों तरफ उतनी ताकत से बोलते थे, उतने ही आर्गुमेंट अच्छे रखते थे कि आप बिल्कुल कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। मगर उसमें अगर आप अपनी बुद्धि लगा के उसमें से आप अपना रास्ता निकाल सकते थे, मगर उनके उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। मगर ये उनकी एक तरह से कहना चाहिए बड़ा खेल था, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में लेफ्ट भी बोलना और राइट भी बोलना, नेगेटिव भी और पॉजिटिव। तो क्या बात है। ये जो विलक्षण शक्ति थी ये आपको सोचने के लिए बहुत देती थी। मतलब मेरे को तो उससे बहुत सीखने को मिला कि हम एक ही डायरेक्शन में नहीं देखें, एक ही डायरेक्शन में नहीं सोचें। तो ये चीज, और दूसरा ये भी होता था कि जैसे वो सुबह उनका जो दिनचर्या था, सुबह 7:30-8 बजे उठना, और इडली उन्हें पसंद थी, इडली खाते थे, इडली भोपाल में, में भी वो इडली खाते थे। हाँ, उनका उनका जो कुक था वो हाँ। इडली बनाता था सुबह सुबह नाश्ते में, और वो इडली में बीच में गड्ढा करके थोड़ा सा ऑयल डाल के फिर खाते थे, जो मुझे पसंद नहीं था मगर मेरे को खाना पड़ता था उनके साथ रह के। तो और दूसरा ये भी था कि वो जब रात में सोते थे ना, तो मुझे कभी नहीं लगा कि वो ठीक से सो रहे हैं। वो रात भर बातें करते थे सोते में, इतनी बातें कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता था। कई बार हम चौंक जाते थे कि हमसे बात कर रहे हैं या वो अपने आप से बात कर रहे हैं या अपने सपने में बात कर रहे हैं, तो चलता रहता था उनका। एक तो बार आपका कहना है कि हमेशा उनमें एक संवाद बनी रहती थी, वो शायद बना अपने रहता आप था, से हो या बाहर दुनिया से हो। मतलब उनका जो विचलित, मतलब विचलन था बहुत ज्यादा था, मतलब वो रेस्ट दिखता नहीं था मुझे कई बार। वो मतलब इस तरह का बात भी करते थे, जब ज्यादा ड्रिंक कर लेते थे कि आई वांट टू ड्रिंक एंड आई वांट टू डाई, तो मतलब इतना वो भी इस तरह का हो जाता। हमेशा खाना खाने के, लंच के टाइम में वो मतलब बहुत कम तो खाना खाते थे, बड़ा आग्रह करने पे थोड़ा सा खाते थे। और उनका ये था कि लंच का टाइम होता था, जैसे भारत भवन से हम आते थे, मेरे घर में ही लंच लेते थे वो 1:30 बजे करीब, एक छोटा सा क्वार्टर जिन का होता था उनके पास, वो लेते थे, तो हम लोग सब खाना लगा भी देते, बैठे रहते थे कब शुरू होगा ये होगा, तो बड़ा मुश्किल से, बड़ा आग्रह करने पर थोड़ा सा खाते थे और फिर थोड़ा जब
अंदर चला जाता था ड्रिंक, तो फिर कहते थे आई वांट टू ड्रिंक एंड आई वांट टू डाई। तो इस तरह का मतलब उनका बड़ा अनरेस्ट सा मामला था। और मेरे को ये लगता है एक तो वो शुरुआत में सोशलिस्ट थे, फिर कम्युनिस्ट हुए, फिर अनार्किस्ट की तरह भी बात करते थे, मगर अपने पेंटिंग में बड़े डिसिप्लिन थे। पेंटिंग में एक सूत का भी आप उसमें फर्क नहीं देख सकते थे कि एक सूत का भी फर्क हो। आंख इतनी तेज थी कि जरा से मैं बता देते ये यहाँ से ऐसा है, यहाँ से ऐसा है। तो उनसे मुझे उस तरह से बहुत सीखने और देखने को मिला। तो मतलब मैं तो उनको कहता भी था कि कम्युनिस्ट हुए, फिर सोशलिस्ट हुए, फिर अनार्किस्ट हुए, मगर पेंटिंग में आप उस तरह से नहीं थे उनका। और बड़े दयालु किस्म के भी थे, और कम्युनिस्ट थे तो कभी सबको बराबरी समझते, चाहे आदिवासी कलाकार हो, चाहे स्वीपर हो, चाहे सफाई कर्मी हो, कोई भी हो, सबको बराबरी। और उनके ऐसा एक किस्सा भी है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे कोई, तो मतलब गवर्नमेंट का जो चीफ सेक्रेटरी होता है जरा अपने आप को बहुत एरोगेंट और वो बना के रखता है, मगर उनको पसंद नहीं आया उसका एटीट्यूड। उसने डिनर पे बुलाया था वो स्वामी जी को, तो मुझे मेरे पास आए शाम को, बोले चलो अपन चलते हैं भूरी बाई के यहाँ चलते। तो भूरी बाई ट्राइबल आर्टिस्ट था, अभी उसको पद्मश्री मिली है। तो उसके वो एक हिल पे रहती थी, उसकी झोपड़ी थी, तब उसके पास इतना कुछ भी नहीं था, थोड़ा बहुत उस ये काम स्वामी जी देते थे, खरीद लेते थे उसका। तो वो अपने झोपड़ी में रहती थी, बाहर एक खटिया पड़ी थी, हम लोग जाके वहां बैठ गए। उसके हस्बैंड को उन्होंने कुछ पैसा दिया कि कुछ खाने पीने का सामान का इंतजाम करें, वहां बैठे रहे। रात के 11:30 बजे जब खा पी लिया, तो बोले यूसुफ चलो अब मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा। तो मैंने कि क्या हुआ? नहीं यार वो सेक्रेटरी मेरे को जरा ठीक नहीं लगा, उसने डिनर पे बुलाया क्या था। तो मतलब उनके लिए वो मतलब कोई ऐसी जो चीज उनको बराबर से इज्जत दे, बराबर से रखे, तो वो सबको उस तरह से देखते थे। मगर जो थोड़ा कोई भी एरोगेंसी थोड़ा दिखाएगा कुछ, तो वो उससे ज्यादा एरोगेंट हो जाते थे। ऐसे ही एक किस्सा और था कि मैं और स्वामीनाथन भारत भवन में एंटर कर रहे थे, तो स्वामी जी धोती पहनते थे और कुर्ता पहनते थे। तो मिलिट्री के दो बड़े ऑफिसर जो है डायरेक्टर से मिलने आए भारत भवन के, तो गेट पे वो इंक्वायरी कर रहे थे गेट कीपर से, और हम लोग एंटर हो रहे थे। एंटर होके हम चले गए, तो जा ही रहे थे रास्ते में थे, तो उस गेट कीपर ने कहा कि ये डायरेक्टर है। तो वो मिलिट्री वाले बोलते अच्छा ये डायरेक्टर है, मतलब थोड़े हिकारत से उसने कहा कि ये डायरेक्टर है, तो क्योंकि वो कुर्ता और धोती पहने थे, तो ड्रेस से तो लग ही नहीं रहा था कि ये, और बाल बड़े बड़े, तो अल्लाह मतलब उस तरह से फकीरी अंदाज उनका। और कई बार तो कुर्ते वुर्ते भी ऐसे फटे हुए से भी पहन लेते थे, वो इधर से फट रहा है उधर से फट रहा है, तो और रंग लगा हुआ रहता था कई बार, तो इस तरह की भी ड्रेस होती थी। तो जब उनके केबिन में वो बैठ गए, तो वो मिलिट्री के दोनों ऑफिसर आए, तो उन्होंने इस तरह से झाड़ा कि ड्रेस देख के तुम कभी भी जज मत करना किसी को। जो अंग्रेजी में उनको झाड़ा ना, तो उनके तो पसीने छूट गए। फिर मेरे को बुला के बोले कि इधर आ इनको बता दो क्या है क्या नहीं है। तो खैर मैंने उनको किया, तो वो कई बार मतलब लोग जो है उनको अंडर एस्टिमेट करते थे उनके वेशभूषा को देखकर, हाँ, मगर वो जानते नहीं थे कितने ज्ञानी आदमी हैं। और जब भी बात करते थे तब वो सारा राज खुलता था कि भाई बिल्कुल ये किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं चीजों को। मतलब एक बार इतने दयालु भी बहुत थे, उनकी मौसी थी वो बीमार हो गई थी, तो उन्होंने भोपाल उनको बुला के रखा, और एक सफाई कर्मी की वाइफ को उनके लिए लगा रखा था, क्योंकि वो बेड पे ही लेटी रहती थी, बैग टोल हो गए थे, तमाम उनकी सफाई करना, ये करना, वो करना। तो जब वो ठीक होके जाने लगी, तो सफाई कर्मी को उन्होंने एक चेक काट के दिया कि तू भर ले तेरे को जितना भरना, क्या बात है। मतलब हाँ करना, जबकि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर भी हम लोगों ने तो कहा नहीं साहब आप भर दो उसको, कहाँ वो करे।
तब भी उन्हें 20-22 हज़ार रुपये का करीब चेक उसको उस वक्त दिया, मतलब आज से 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो मतलब इस तरह के दयालु, और उनका दयालुपन का तो आप एक और ऐसा किस्सा, बड़ा हंसी भी आएगी आपको, और वो कि एक बार हम और निर्मल वर्मा राइटर हैं, बड़े राइटर थे, अब नहीं है वो, तो बड़े दोस्ती थी। तो रात में लौट रहे थे किसी पार्टी से, स्वामी जी, निर्मल वर्मा और मैं, और एक और मेरा दोस्त था वो बैठा था। तो रास्ते में कुत्ते के 2-3 पपीज जो है आगे सड़क पर, वो ड्राइवर को उन्होंने बड़ी जोर से डांटा, रोको रोको रोको, मर जाएंगे बेचारे वो, तो उनका जाने क्या होगा रात में, कौन देखेगा इनको। तो उन्होंने निर्मल से, निर्मल वर्मा से कहा, निर्मल ऐसा करते हैं, एक पपी तुम ले जाओ, एक मैं ले जाता हूँ, नहीं तो ये बीच सड़क पे आके कुचल जाएंगे, मर जाएंगे। तो बोले ठीक है, दोनों ने एक एक पपी ले लिया, हमने उठा लिया उसको और घर ले आए। अब वो उसको बच्चे को, कुत्ते के बच्चे को, अब माँ तो मिल नहीं रही थी, तो वो चिल्लाने लगा, वो तो रोने लगा, और ये हम लोग भी सो गए ऊपर जाके, ये भी नीचे सो गए, और वो चिल्लाए, तो ये बीच बीच में उसका, अरे चुप चुप, कोई नहीं, शाबाश बेटा, ठीक है, हो जाए। और रात भर ये सब चलता रहा, चुप चुप, हम भी नहीं सो पा रहे, वो भी नहीं सो पा रहे, कुत्ता भी नहीं, बच्चा भी नहीं सो पा रहा। फिर हमने सोचा कि यार ये तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि ये इसकी माँ नहीं है, ये तो चिल्लाएगी, इसको कब चिल्लाएगी। खाना पीना। तो हमने उसको उठाया और कहीं दूर जाके छोड़ा है, सुबह सुबह, जब तक वो स्वामी जी नहीं उठे, वो सुबह सुबह। जब वो उठे तो हमने कहा, अरे वो कहाँ है, कुत्ते का बच्चा, तो वो पिल्ला किधर है, पता नहीं साहब, वो तो कहीं ऐसे ही निकल गया बाहर, आप दिख नहीं रहा। उन्होंने ड्राइवर को बुलाया, ड्राइवर इधर आओ, ढूंढ के लाओ उसको, कहाँ पर गया, नहीं तो वो ड्राइवर बेचारा, उसको भी मालूम था कि ये सब रात भर जो किस्सा हुआ, हमने उसको बताया कि ना हम सो पाए, ना वो सो पाए, कुत्ते का बच्चा सो पाया। तो फिर थोड़ी देर में ऐसे ही घूम घाम के आ गया, तो उन्हें वो साहब मिला नहीं, बोले देखो जब भी मिल जाए ना उसको घर लेके आना सीधे। तो इस तरह की, मतलब वो जरा जरा सी चीजों के लिए इतने संवेदनशील थे, बहुत संवेदनशील थे, मतलब उनको, मतलब कई बार तो आंखों में आंसू आ जाते थे सोचते सोचते कि क्या होगा इस देश का, देश के बारे में भी सोचते थे, कई ऐसी घटनाएं होती थी, तो ऐसे क्या होगा इस देश का। वो गाना तो कुछ बोल जी रहे हैं? अच्छा, जी नहीं, आपके यहाँ कुछ गाना बज रहा है शायद। नहीं, गाना तो नहीं है, कहीं और से मोबाइल? आवाज आ रही है। हाँ, आप भी बंद हुई है। तो क्योंकि ये रूम सेपरेट है, इधर कोई भी हाँ, नहीं है आसपास, कोई ठीक हमारे यहाँ सुनता भी नहीं कोई गाना। ठीक ठीक नहीं। तो तो फिर दादा, मैं ये, ये पूछना चाहता हूँ कि आपने बताया कि वो कितने, मतलब, सिंपल थे, सरल थे, उनकी मतलब सूक्ष्मता कितनी थी, सेंसिटिव थे बड़े चीजों के लिए। तो ये मैं जानना चाहता हूं कि ये आपने कहा कि उनकी नजर बड़ी तेज थी, कलाकृति के ऑब्जर्वेशन हो या जीवन की, एक कुत्ते का पिल्ला भी देखेगा तो उनकी नजर में एक बार बैठ गया उसकी सेंसिटिव। ये सूक्ष्मता वो लोगों को परखने में और कलाकृति को परखने में कैसा अनुभव था, कैसा होता था उनके? बहुत सारे लोग तो जानते ही नहीं थे, मतलब उस पहलू को जानते ही नहीं थे, जो रोजाना मैं तो उनके साथ रहता ही था, उनके घर में ही रहता था, इसलिए मुझे ये सारी चीज है। जब मैं ये चीजें शेयर करता हूँ तो लोगों को बड़ा ताज्जुब भी होता है, और दूसरा वो असल में सोच ही नहीं सकते कि एक कलाकार मतलब इतना मानवीय हो सकता है, वो सब चीज के लिए मानवीय है। मतलब कलाकार होने का मतलब ये नहीं है कि आप मानवीय नहीं रहो, आप सोशल नहीं रहो, मतलब वो सब चीज भी रहो, आप कलात्मक अर्थव्यवस्था की जहां तक बात है उसमें आप बिल्कुल, मतलब उस सूक्ष्मता के साथ और ईमानदारी के साथ रहो। तो वो मतलब उनसे तो मेरे को तो ये बाकी और भी लोगों को शायद सीखने को मिला होगा, मुझे नहीं मालूम, मगर मैंने उनसे ये सारी चीजें सीखी और जानी कि उनके उनका अपना जीवन इतना सरल था, वो किसी के लिए भी मतलब सहज थे, बहुत सरल, मतलब आदिवासी कलाकार आ जाए, चाहे कोई प्यून आ जाए, चाहे सफाई कर्मी आ जाए, तो उसके साथ उसी लेवल पर बात करते थे। वो कभी ये नहीं बताते थे कि मैं डायरेक्टर हूँ या मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ, मतलब हम सरी के बच्चे जो उनके पास आए थे, तो उन्होंने बहुत उस तरह से, मतलब कोऑपरेटिव होते थे, और
है ना, आप हमको ऐसी एनर्जी भी देते थे और उनको प्रमोट भी करते थे, पुश भी करते थे कि ये ऐसा ऐसा, और चीजें बताते भी रहते थे। तो बल्कि आर्ट गैलरी में हम उनके साथ ही घूमने जाते थे, तो किसी भी चित्र को देख के हम बात करें तो उनकी आदत, मुझे एक बार ऐसे पता लगी कि मैं कोल्टे के चित्र के सामने था, तो मैंने उनके सामने तारीफ कर दी कि बहुत अच्छा चित्र है। ले क्या अच्छा है, फ्रेंच एक्सप्रेशनिस्ट है। और फिर उन्होंने वो सारी चीजें बतानी शुरू कर दी। तब मुझे समझ में आया कि अगर मान लो इनके किसी चीज के बारे में आपको अच्छा सुनना है तो उसको बोलो ये खराब है, तो उसका अच्छा बताएंगे। तो उसमें, क्योंकि उनमें वो आदत थी कि दोनों तरफ उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें वो बताते थे, बोलते थे। तो मेरे को जब ये आदत मालूम पड़ गई, तो जब अगर मुझे किसी के बारे में जानना होता था तो उसी के बारे में फिर मैं उल्टा बोलता था कि मुझे ये पसंद नहीं आया, तो फिर वो बताते नहीं इसमें ये बात है और इसने ऐसा किया। क्योंकि बहुत सारी चीजें वो दिल्ली में रह के उन लोगों के साथ उठे बैठे, उनकी एग्जीबिशन देखी, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत रिच थी। मतलब एक बार मैंने अकबर पदमसी के चित्र के बारे में बोला कि ये अच्छा चित्र है, बोले यार चित्र तो अच्छा है मगर अकबर पदमसी को ऑयल पेंटिंग करना नहीं आती। मैं कैसे, कि देखो तुम उसको कहीं कहीं ऑयल चमक रहा था पेंटिंग में, तो मतलब ऑयल चमक रहा है ऐसा मतलब आपने ठीक से उसको मिक्स नहीं किया। और जबकि स्वामी जी की आदत ये थी, हालांकि ये भी ऑयल में काम करते थे, तो आधे एक घंटे तक तो उसको मिक्स करते थे ऑयल को पेंट पेंट के साथ, ऐसे फेंटते थे नाइफ से। तो जब उनने बताया तब मेरी दृष्टि गई कि हाँ वो कहीं कहीं चमक रहा है, कहीं रूखा हो रहा है वो, तो इसका मतलब है आपको तकनीकी रूप से वो आप उतने साउंड नहीं थे। आप बना अच्छे रहे थे, सब कुछ अच्छा करा था, मतलब वो एप्लीकेशन जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, मतलब किसी किसी के चित्र के सामने खड़े होके पूछते थे, तो ये सब। और उनकी जो नजर थी वो कॉलेज कहाँ से किए थे वो? वो, उन्होंने थोड़ा सा पोलैंड में जाके कुछ किया था, एक आध साल रहे, ज्यादा नहीं रहे थे, कोई स्कॉलरशिप मिली थी, फिर चले आए थे। फिर दिल्ली में, ये कैलकटा में उन्होंने ज्वाइन किया था, तो वो भी मतलब 4-6 महीने, मतलब उनका जीवन ऐसा था कि वो टिकते ही नहीं थे उस ओ तरह से। फिर हाँ हाँ वो ये एक अखबार उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था, उसमें आर्ट क्रिटिज्म लिखते थे, करते थे। वो अखबार का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, मगर बड़ा फेमस पुराना अखबार था। तो ऐसे करते कर, और उनका ये भी था कि कुछ कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली थी, तो उसके होल टाइमर हो गए थे, तो उसमें भी वो मतलब काफी इन्वॉल्व रहते थे सोशल एक्टिविटीज में। फिर बाद में उनका वो सब बदला, तो वो कुछ योगी साधुओं और उनके साथ भी उठना बैठने लगे, बनारस भी जाके रहे। तो ऐसे अलग अलग उनके बड़े एक्सपीरियंस थे, बड़ा उनका यात्रा बड़ी मतलब सीधी सी यात्रा नहीं थी, बल्कि ये भी होता था कई बार कि बड़े मूडी भी थे उस तरह से। कई लोग जो है वर्ड सीरीज के जो उनका काम है पेंटिंग, वो खरीदना चाहते थे, बहुत सारे लोग पैसे भी देते थे, खत भी आ जाता था, कुछ भी हो जाता था, तो वो बनाते भी नहीं थे। मतलब कई बार तो वो हलुआ हो जाते थे लेटर जेब में रखे, अरे यार बड़ा इंपॉर्टेंट लेटर था, कुर्ते की जेब में उधर रखा हुआ है, बंडी में रखा हुआ है, निकालते, अरे यार अभी तो बेकार हो गया, सब फेंक फाक दिया। और कई ऐसी चीजें होती थी जो मतलब बड़े अनार्की थी इस उसमें, तो जिसमें पैसा भी कम होता था हमेशा, उनके पास हमेशा कमी रहती थी पैसे की, और वो चाहते थे तो बहुत पैसा मिल भी सकता था। गैलरी वाला मालूम है, जो धूमीमल गैलरी थी, वो 2-3 हज़ार रुपया महीने का देता था और पेंटिंग ले लेता था। बहुत सारे पेंटिंग अब उसके पास है, पंडोल के पास है, जो उनने पैसे नहीं दिए, उनके परिवार को भी नहीं दिए, है ना। तो वो तो मुझे मालूम है कि किस तरह से, तो पैसे की इतनी कमी रहती थी कि आप ये देखिए कि महीने के आखिरी में 2-3 दिन पहले वो मेरे से बोलते थे, यूसुफ जरा देना पैसे, मैं 1 तारीख को दे दूंगा, ऐसे बोलते थे 1 तारीख। और तनख्वाह मिलती थी, वो लेके भी आते थे, मैं कहता था नहीं सर मैं इकट्ठे लूंगा आपसे, मैं ऐसे नहीं ले।
तो मैं उन लेता नहीं था, क्योंकि वो मेरे गुरु थे, मुझे मालूम था कि मुझे मतलब मैं ऐसा कर नहीं सकता कि मैं उनसे पैसे लूं। मतलब तो वो कमर्शियली उनका ध्यान कभी भी नहीं था कभी पैसे नहीं कमाने। था, कभी नहीं था। एक ये वर्ल्ड सीरीज का काम तो हाथ बिल्कुल हॉट केक की तरह बिकता था उनका जब भी। मगर फिर उन्होंने एक बार सूजा ने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा था उनके बारे में कि ही इज ए लैंडस्केप पेंटर। हाँ हाँ, तो वो मेरे पास आए, वो अखबार साथ में था, देखो तो सूजा मेरे को लैंडस्केप पेंटर लिख रहा है। और जब जबकि उन्होंने शुरू किया था साइन एंड सिंबल से शुरू किया था, क्योंकि हाँ उनका वो भी एक स्कॉलरशिप भी फेलोशिप भी थी उसमें हाँ थी। बीच में ये जब थोड़ा सा पैसे की वो थी तो ये तो इस तरह का थोड़ा सा काम किया था बर्ड सीरीज का जैसे, तो वो बड़ा फेमस हो गया था, उसमें पैसा भी आने लगा था, ये सब कुछ होने, घर भी चलने लगा था। नहीं, बड़ा मुश्किल था घर चलना भी, मगर वो गैलरी वाले ने कांटेक्ट करके रखा था कि वो उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट में वो उतना पैसा उनको देगा घर को। तो ऐसे जो चलता भी था, फिर भी कमी तो हमेशा ही रहती थी कुछ ना कुछ करेक्ट। उसमें, क्योंकि रोजाना ड्रिंक जैसे चल रहा है तो फिर कोई भी आ जाए, तू भी बैठ जा, तू भी बैठ जा। घर में खाने का भी ऐसा कि चलो बना, स्टोव होता दिलदार था। दिलदार मतलब ऐसा सबको हाँ, आओ खाओ तो खिलाओ चलो खिलाओ। उसमें ही खाओ जैसे भी है। तो मतलब फिर मुझे जब मैं उनके साथ आया तो मैं बहुत सारी चीजों को मैनेज उस तरह से करता था कि वो ठीक ठीक हो जाए। तो घर में एक स्टोव था बत्ती वाला, तो उसकी जगह फिर गैस स्टोव लेकर आया, वो गैस की सब चीजें लेकर, चूल्हा वूल्हा वो लेकर आया कि जब इतने लोग बैठ जाते हैं तो खाना तो टाइम पे हो जाए, नहीं तो करेक्ट पूरा दिन ऐसा चला जाता था। कभी कभी उनका मूड भी होता था कि वो खुद बनाए, या अच्छा वो दाल गोश्त बनाए, उसमें वैसी प्याज डालें, तो ऐसे वो खुद भी करते रहते थे। तो अच्छा कई बार हमको बोलते थे आ जाओ यार, तो वो मतलब 3-4 घंटे लगते थे उनके खाने बनाने में। तो वो तो उनका तो ड्रिंक चलता रहता था, हम लोग करेक्ट तो कुछ पीते भी थे नहीं थे तो उस तरह से। तो ऐसा मुश्किल भी हो जाती थी उनके साथ कई बार, मगर वो अच्छा रहा था, बहुत सारे एक्सपीरियंस होते थे। तो अब ये जब सूजा ने जब ये सब लिखा, उसके बाद फिर उन्होंने वो साइन एंड सिंबल वाले फिर से दोबारा से चालू किए काम, जो बाद में अच्छा आप देखते हैं जो थोड़ा सा उसमें आदिवासी उसका टच भी दिखता है कला का, करेक्ट है ना। तो उसमें ज्योमेट्री और दूसरी चीजें आ गई, और उसका जो वैक्स तैयार होता था वो मैं तैयार करता था। विंसन न्यूटन के कलर तो मिलते नहीं थे, बड़ी मुश्किल हाँ से एकेडमी से मंगा लिया या दोस्तों से मंगा लिया, किसी ऐसे ऐसे मंगाते थे, वो वैक्स में मिला के विंसन न्यूटन के कलर, उसको इम्पेस्टो करना, उसका बड़ा वो करना। तो उनकी जो वर्किंग जो प्रोसेस था वो बड़ा अजीब था। रात में वो पूरा ड्रिंक करके वो सब लगाते थे और सुबह कहते थे इसको निकाल दो। तो वो एक पहाड़ी नौकर था, वो नेपाली, वो खोल देता था। वो परेशान हो गया, वो हमसे कहता था साहब ये क्या करते हैं, इतनी अच्छी पेंटिंग बना देते हो, सुबह कहते निकाल दो। तो मैंने कहा तुझे तो नहीं मालूम, तुझे अच्छी लगती है अलग बात है, मगर आर्टिस्ट को तो पता लगना चाहिए ना क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। तो करेक्ट नहीं यार, वो बहुत नुकसान करते हैं, इतना सब निकलवा देते हैं, खुरचवा देते हैं। तो ये जो जब तक मतलब वो बात ना आ जाए तब तक वो कोशिश करते थे ये, तो उसमें टाइम भी बहुत लगता था। और उनका ये था कि जैसे सुबह भारत भवन आए 10 बजे, 10:30 बजे, 1 बजे टाइम हो जाता था उनको कि लंच करना है 1-1.5 बजे, और वो 1 क्वार्टर लेना है। फिर शाम को 6 बजे उनका होता था कि चलो बैठो, तो कहीं ना कहीं बैठे जो भी हैं, चाहे इतने बड़े साहित्यकार हैं या अशोक जी हैं या विजय मोहन सिंह जी हैं या निर्मल वर्मा हैं या कृष्ण बलदेव वैद्य हैं, तो उनके घरों में कहीं बैठ गए, नहीं तो कभी वो लोग उनके वहां गए। तो इस तरह से ऐसे या फिर बाहर से आर्टिस्ट आ गए, गोरपदन सिंह आ गए, राम कुमार आ गए, तो वो मतलब उस तरह से रोज बैठक ऐसे हो जाती थी। तो रात के 12-1 बजते थे, तो कहीं ना मतलब सारा टाइम ऐसे ही चला जाता था। फिर जब इनका शो होता था तब जरूर ये थोड़ा सा बंद करते थे, मगर फिर भी शाम उनका उसमें होता था, 2-4 घंटे तो मतलब ऐसे जाते। वो क्या इंटरेक्शन करते थे सब बैठ के, डिस्कशन हाँ, होती थी। वो कोई भी बात मतलब पॉइंट पे हो, मतलब एक बात जैसे सेमिनार है या कुछ है तो उनमें क्या
क्या पॉइंट हो सकते हैं, क्या बातचीत हो सकती है। और ऐसी भी बातचीत होती थी कि जैसे मैंने शुरू किया, मेरे को लगा एक बार ऐसा, मेरे को लगा कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो फार्मूला है जिसके तहत कोई भी चीज जिस तरह से गिरती है और जैसा शेप लेती है जिस बराबर। फोर्स के साथ लेती है, तो वो मतलब उस बात होती है ऐसी। तो बोले नहीं, ये उस वक्त तो कुछ नहीं बोले, मगर जब एक सेमिनार में उन्होंने उस चीज को कोट करते हुए लिखा कि अगर आपको E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का सत्य जानना है तो आपको उसकी सतह पे जाना पड़ेगा, उसके लेवल पर जाना पड़ेगा, तब आप जान पाएंगे कि वो क्या है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, मतलब बड़े मतलब ऐसे सब्जेक्ट रहते थे, चाहे वो पॉलिटिक्स के हों, चाहे सोशल इश्यूज हों, चाहे आर्ट के इश्यूज हों, जिसमें मतलब ये सारी बातें होती ही रहती थी, चलता ही रहता था कुछ ना कुछ। तो मतलब मैं भी उनका ऐसे कई बार उनका डेली का रियाज कैसा होता था? वो जैसा डेली का आर्ट। रियाज नहीं होता था उनका, डेली का रियाज नहीं, जब शो वो का जैसे फिक्स हो जाता था ना तब वो काम हाँ शुरू करते थे। वो अच्छा। भारत भवन में बहुत टाइम देते थे, भारत भवन को बनाने में जो उन्होंने टाइम दिया उसमें उनका बहुत टाइम गया। उस दौरान शायद 2 या 3 ही शो कर पाए पूरे 8-10 साल में। अच्छा हाँ, तो बहुत कम काम किया और होता भी कम था मतलब। और उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो मतलब जैसे रात में उन किया और सुबह खुरचवा दिया, हटवा दिया, तो फिर वो बड़ा मुश्किल से मतलब कोई पेंटिंग उनके नजदीक आता था या बन पाता था, उस तरह से वो सेटिस्फाई हो पाते थे पेंटिंग। अच्छा, वो ये जो बर्ड सीरीज का जो एक शो मेरे सामने उन्होंने यहाँ पर ही भोपाल में रह के किया था बर्ड सीरीज का, तो उसमें उसमें जरूर वो उस तरह से नहीं कर पाते, तो उनका बड़ा सेटल मामला था कि वो उसमें कलर स्कीम भी वही होती थी और टेक्निक भी वही होती थी, बड़ा सेटल लगता था। मगर ये वाले साइन एंड सिंबल वाले में कोई सेटल पन नहीं था, कुछ नहीं। हाँ, उसमें बस सिर्फ वो ही एक दिखता था, फोक ट्राइबल का थोड़ा सा असर दिखता था ट्राइबल्स का उस तरह से, क्योंकि वो खुद भी उसी तरह से रहते थे और उनकी अपनी जो फेलोशिप भी हुई थी वो ट्राइबल उस पर हुई थी। वो मतलब ट्राइबल आर्ट को और कंटेम्प्रेरी आर्ट को समकक्ष रख के देखना चाहते थे बराबर। वो ये नहीं चाहते थे कि सिर्फ आप अर्बन आर्ट के बारे में ही बात करें, जब आप अर्बन आर्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो आप ट्राइबल आर्ट के बारे में, वो भी तो आपके समकालीन है, वो कलाकार भी तो आपके समकालीन है, उसमें इंडिविजुअलिटी भी है, वो ऐसा भी नहीं है कि परंपरा से जो चला रहा है वो कर रहे हैं, वो अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ भी है। तो इस तरह की उनकी सारी चीजें थी। अच्छा, ये ट्राइबल आर्ट में उनकी विशेष रुचि और विशेष कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने वो कलाकारों को पहचाना, उसको बनाने में भी ये दिया है, जो जैसे कि गोंड पेंटिंग्स को हो उन्होंने सब, उसके बारे में थोड़ा बताइए ना दादा कि वो सब। असल में जब यहाँ पर म्यूजियम सेटअप करने की बात आई ना, तो जो उसका जो प्रिंसिपल लाइन थी वो यही थी, उन्होंने जो यहाँ पर म्यूजियम में हम सिर्फ अर्बन आर्टिस्टों का नहीं करेंगे कलेक्शन, हम ट्राइबल फोक और ट्राइबल का भी करेंगे, क्योंकि हम उनको समकालीन कलाकार मानते हैं। उससे पहले, स्वामी से पहले कोई भी नहीं मानता था उनको समकालीन कलाकार, उनको क्राफ्ट में शामिल करते थे। अच्छा। हाँ, तो जो पुपुल जैकर थी उन्होंने क्राफ्ट म्यूजियम बनाया था दिल्ली में, तो वो सब लोग उन्होंने क्राफ्ट में किया था, और पुपुल जैकर और भी ट्रस्टी थी भारत भवन की, तब ये सारा तय हुआ कि भाई इस म्यूजियम को हम इस तरह से रखेंगे जो हिंदुस्तान में अभी तक किसी ने नहीं रखा, कि इनको समान रूप से रखें, इनको क्राफ्ट में नहीं रखें, इनको समकालीन कलाकार के रूप में रखें। तो यहाँ पे जो गैलरी बनी भारत भवन में वो समकालीन आदिवासी कलाकार और समकालीन नागर कला, तो अच्छा। ये इनकी प्रिंसिपल था जिसके तहत ये सब किया हुआ। और गौंड आर्टिस्टों का जो आज बहुत नाम हो गया वो स्वामी जी की वजह से हुआ, कि गौंड में कोई चित्रकला की परंपरा नहीं है। हाँ, तो अब ये गौंड नाम से कोई परंपरा कला की जो है ना चित्रकला की परंपरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो जनगण आ गया और उसमें एक अपनी क्षमता थी, अपना एक विशेषता थी, वो बांसुरी भी बजाता था, गाना भी गाता था और चित्र भी बनाता था। तो उस
उसने जब बनाना शुरू किया और उसको स्वामी जी ने प्रमोट करना शुरू किया तो उसका बड़ा नाम होने लगा, उसको देश विदेश में आमंत्रण मिलने लगे, उसका काम बिकने लगा, तो उसके गांव के लोग उससे आकर्षित हुए, तो वो भी अच्छा। उसका जब काम बढ़ा तो उसने अपने काम के लिए उन लोगों को भी जो जो थोड़ा बहुत जानते थे उनको भी रखा, वो उसके साथ मिलके करने लगे। फिर बाद में जब वो सब सीख गए तो उनने अपना इंडिविजुअल इंडिविजुअल बना लिया, ऐसे वो गौण आर्ट जो है बन गई, नहीं तो ऐसे गौण आर्ट की कोई परंपरा नहीं थी। तो ये एक बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन है। दादा, उनकी स्वामीनाथन जी की और कुछ कला के बारे में या उनकी व्यक्तित्व और कला के बारे में, उनमें कुछ विशेषताएं ऐसी आपने देखी जो हम आप बताना चाहेंगे? मतलब ये तो उनकी विशेषता ही बता रहा हूँ मैं, जितनी जो करेक्ट, उनकी क्वालिटी थी, और इतने सेंसिटिव थे और इतने मतलब शार्प भी थे और इतने ज्ञानी भी थे, मतलब ऐसे कमी, मतलब मैंने तो आज तक किसी ऐसे आर्टिस्ट से मिला नहीं, जितने भी आर्टिस्टों से मिला हूँ उनमें स्वामी जी को मेरे को तो सर्वश्रेष्ठ लगते हैं, चाहे वो भले ही मेरा पूर्वाग्रह हो। अलावा उनको और कौन सी चीजों में रुचि थी? अब हमने जो ग्राफिक वर्कशॉप भारत भवन में डाला था तो वो हाँ अपने काम उनके काम मैंने काफी सिल्क स्क्रीन किए, काफी मतलब प्रिंट निकाले उनके बहुत सारे, तो ये तो था ही। और उनका नहीं, मतलब विशेष उनको रूप, उनको नाटक में रुचि था क्या, संगीत में रुचि हाँ था, उन्होंने कला छोड़ के दूसरा कुछ? कारण जी होते थे नाटक में हाँ डायरेक्टर, तो कारण जी के हाँ साथ मिलके स्टेज डिजाइन करना और दूसरा करना, या जो और शिवराम करण के साथ नहीं शिवराज ने बीवी कारण, विवेकानंद, हाँ वो पहले एनएसडी के डायरेक्टर भी थे है करेक्ट ना, फिर करेक्ट वो भारत भवन में आके थिएटर के डायरेक्टर हुए, रेपेट्री के डायरेक्टर हुए, तो ये सारे लोग बड़े बड़े काफी लोग थे, तो उस तरह से जो है मतलब बड़ा अच्छा माहौल था। और हम लोगों को भी वो सब नाटक देखने को, मतलब पहले कभी हमने उतने नाटक नहीं देखे। संगीत की सभाएं तो मैंने सुनी है क्योंकि मैं तानसेन समारोह में जाता था, ग्वालियर में तानसेन समारोह होता है, मेरा जन्म स्थान है ग्वालियर, तो वहाँ ये सारे बड़े बड़े संगीतकारों को सुना, मगर ऐसे जैसे हबीब तनवीर का कभी एक आध बार मैंने बस देखा था उनका नाटक, तो यहाँ पर तो मतलब वो सब थिएटर फेस्टिवल भी होता था, म्यूजिक फेस्टिवल भी होता था, तो ये सब देखने को मिलता। पोइट्री के बहुत सारे सेशन होते थे पोइट्री के, और दूसरे ऐसे सेमिनार होते थे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, तो वो सब सुनने को मिलता था। उनकी भागीदारी हमेशा रहती थी स्वामी जी, हर चीज में उनकी भागीदारी, मतलब पोइट्री का भी उसमें हो तो भी वो उनने दो तीन चार मतलब 8-10 पोइम तो लिखी है पोइट्री की है वो, तो बहुत सारी चीजें उस तरह से हमको देखने को मिलती है। वो तो मल्टीपल क्या वो बहुत पढ़ते थे दादा? अगर वो क्या वो इतना बहुत पढ़ते पढ़ते तो थे तभी बहुत ही, तो इतना विचार या ज्ञान आता होगा उनको, कैसा हाँ पढ़ते तो कैसा? बहुत थे, मतलब अगर वो उन्होंने कुछ बोलना है कुछ करना है तो अगर ट्राइबल का वो प्रोजेक्ट बना रहे थे तो उन्होंने सारे मतलब इतनी किताबें मतलब इकट्ठी कर ली थी, और वो मुझको भी कहते थे तुम भी पढ़ो तो हम कहते थे मजाक में आपने पढ़ लिया था आप हमें समझा देना इतनी किताबें, ढेर किताबों के बीच में दबे रहना हमेशा, मतलब जब भी ऑफिस में है तो टेबल पे बहुत किताबें रहती थी, तो पढ़ते भी उतना ही थे, ऐसा नहीं तो कि बेसिकली क्या हम ये कह सकते कि एक इंसान 24 घंटा कुछ ना कुछ कला या ज्ञान के भीतर ही छुपा हुआ है या उसके साथ ही बिल्कुल इम्प्लीमेंट? उनके साथ तो मैं कह सकता हूँ उनके साथ, मतलब वो इवन सोते में भी जो बातचीत करते रहते थे ना, तो वो बड़ा मतलब मेरे को तो हमेशा ही ऐसा लगता कि अनरेस्ट है, ये विचार चल रहा है अंदर, बातचीत चल रही है, बोल भी रहे हैं, मतलब आप ये देखिए जब वो पिल्ला रो भी रहा था, कुत्ते का बच्चा रो रहा भी रहा था, तो उसको ओए चुप 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 ठीक है सब हो जाएगा, ओ फिर थोड़ा सा फिर खुद भी कुछ बोल रहे हैं, फिर उसको चुप कर रहे हैं, फिर सो भी रहे हैं, मतलब ये ऐसे चल रहा था कि कुछ समझ में नहीं आया किसी को भी, मगर अच्छा, उनका उस तरह का था कि वो अनरेस्ट ही लगते थे मुझे, हमेशा अनरेस्ट। वो और पेंटिंग से पहले कोई कोई पेंटिंग करना हो तो उससे पहले उनकी प्रिपरेशंस क्या होती थी दादा? वो मैंने एक बार तो देखा था कि उन्होंने स्केच बुक पे स्केच करना शुरू किए थे, उन्होंने काफी पन्नों पे स्केच करना,
इवन वो मीटिंग मीटिंग भी चलती थी तो डूडलिंग करते ही रहते थे, मतलब उनका हाथ चलते ही रहता था उस तरह से। अगर मान लो वो पेंटिंग नहीं भी कर रहे हैं, ऐसे ही सामान्य सी बातें कर रहे हैं और कागज सामने रखा है, पेन रखा है, तो उनका वो डूडलिंग भी चलता रहता था। मगर जब एग्जीबिशन होती थी तो वो स्केच भी करते थे, तो उन्होंने स्केच भी किए, तो दो तीन तो स्कल्पचर बनाए भोपाल में, उन्होंने स्कल्पचर भी बनाए। तो वो उनका जो बड़ा वो था मामला के इस विधा में भी मल्टी डिसिप्लिनरी मीडियम वो सब यूज कर लेना उसमें क्या। और उनकी वाइफ भी आर्टिस्ट थी ना नहीं, उनकी वो? वाइफ आर्टिस्ट नहीं थी, वो तो घर ही देखती थी पूरा। मतलब अच्छा उनकी वाइफ का जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब स्वामी जी से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो घर उस तरह से देखे। वो तो अनार्किस्ट किस्म के थे घर के मामले में, वो तो वाइफ ने ही सारा सब किया कि वो जिस तरह से भी संभाल के ले गई। और वो उनकी बड़ी केयर भी करती थी। बाद में डॉक्टर ने बोल दिया था, कुछ ब्लॉकेज वगैरह था तो पीने के लिए मना भी किया था, तो वो काफी कंट्रोल करती थी कि उनको नहीं लेने देती थी। बाद लास्ट लास्ट में तो बहुत कम, मतलब करीब करीब बंद ही हो गया था उनका, एंड उनके मगर आखिरी आखिरी दिन सब भोपाल में ही गुजरा उनका? नहीं, वो फिर दिल्ली चले गए थे। यानी गवर्नमेंट बदली, जो बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, हाँ तो उन्होंने एक लेटर लिखा कि आप हमको इसमें शामिल करो भारत भवन के ट्रस्ट में। तो ये एक ऐसी चीज थी कि ये तो कलात्मक थी सारी, उसमें पॉलिटिक्स का कुछ नहीं था, पॉलिटिशियंस की कोई उसमें कुछ वो नहीं थी। मगर चूंकि उसका नाम इतना हो गया था, सब लोग उससे जुड़ना चाह रहे थे अच्छा क्योंकि वो उस नाम का बेनिफिट लेना चाह रहे। तो चूंकि अर्जुन सिंह ने शुरू करवाया था, वो चीफ मिनिस्टर थे, तो उनको लगा कि जब अर्जुन सिंह हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते। तो ये सारा था, तो थोड़ा सा मतभेद था, तो फिर छोड़ रिजाइन देके वो दिल्ली चले गए, अच्छा तो आखिरी टाइम पे पूरा दिल्ली में ही थे दिल्ली। हाँ, दिल्ली में ही उनका। इसमें। क्या सुंदर बॉडी ऑफ वर्क निकला था दादा उनका, हाँ, बहुत स्पेशली ज्यादा। वो बर्ड सीरीज बोलिए या उनके जो एब्स्ट्रैक्ट वर्क जो ट्राइबल फॉर्म्स के साथ, ऐसा मुझे हमेशा उस चीज की फैसिनेट होती थी उनकी बॉडी ऑफ वर्क। क्योंकि अगर आप उनकी वर्क बॉडी ऑफ वर्क को कंपेयर करें, अगर आप उनकी बर्ड सीरीज को देखें कि वो एक पहाड़ हो या पेड़ हो उसके ऊपर किधर तो एक एंगल पे एक बर्ड स्थिरता पे खड़ी है, ऐसा बिल्कुल मतलब आप पूरा माहौल को, वो पहाड़ हो उसकी इतनी चट्टान की स्थिरता एंड बर्ड मूवमेंट पे आके ऐसा पॉइंट पे रुकी है एंड ऐसा बड़ी बैलेंस पे रुकी है वो, इतना पॉइंट में इसमें मतलब इतना टाइट कॉम्पोजिशन है उसका। वेरेज आप बहुत उनका एब्स्ट्रैक्ट देखिए कितना फ्रीडम के साथ खुलता है वो लाइंस, कितना ऐसा वो दो मतलब एक वो आपका पेंटिंग देखेंगे तो इतना स्थिरता है उसमें, इतना गंभीरता है। वेरेज वो ट्राइबल फॉर्म्स में देखेंगे तो इतना फ्रीडम है, इतना है, ये दो विपरीत चीज कैसे करते थे दादा वो? यही तो मैं आपको बता रहा था कि वो अपने काम में बड़े डिसिप्लिन थे, लाइफ में इतने डिसिप्लिन नहीं थे। वो लाइफ में पूरे अनार्किस्ट थे, मगर काम में इतने डिसिप्लिन थे कि आप एक सूत का भी फर्क नहीं देख सकते। कलर को मिलाने से लेके, मतलब ऑयल से मिलाने से लेके एप्लीकेशन तक, मतलब आप एक पॉइंट, एक दाग, एक कोई भी, मतलब उसमें एक ब्रश का बाल भी नहीं देख सकते। जैसे बहुत सारे लोगों के पेंटिंग में दिख भी जाएगा कि ब्रश का बाल भी लगा हुआ है, कुछ भी उसमें कुछ नहीं। इतना मतलब सेटल और इतना डिसिप्लिन के मैं सोच ही नहीं सकता। मतलब अगर आप उनका वैसे जीवन में देखो, बाहरी जीवन पेंटिंग से अलग, उनके क्रिएशन से अलग उनका जीवन देखो, तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि ये आदमी इतना डिसिप्लिन हो। तो इसलिए, और अच्छा, और गहराई भी इसलिए थी कि उन्हों को इतना ज्ञान था सारी ट्राइब्स के बारे में। जो हमने काम इकट्ठा किया, उन सारी ट्राइब्स के बारे में उनको पता था। उनकी अलग अलग जो इंडिविजुअलिटी है ट्राइब्स की, काम करने की, वो सब पता था। मतलब छत्तीसगढ़ का आर्टिस्ट कैसे काम करेगा, तो बस्तर का आर्टिस्ट कैसे करेगा, गोंड आर्टिस्ट कैसे करेगा, और दूसरे भील आर्टिस्ट कैसे काम करेंगे। मतलब ये
भूरी बाई और लाड़ू बाई, ये दो आर्टिस्ट हैं। भूरी बाई को तो पद्मश्री भी मिला है, भील आर्टिस्ट है। तो ये भारत भवन की कंस्ट्रक्शन में शामिल थी, ये पत्थर उठा के डाल रही थी। क्या बात है। हाँ, तो हम लोग जब आए तो ऐसे ही बात की कि मान पड़ा, क्योंकि वो पहने हुए थे भील की जो ड्रेस होती है वो पहने करेक्ट। हुई थी, और वो टाटू वाटूज वैसा किया हुआ था। तो हाँ उसको कागज और रंग दिया पहली बार हमने कि तुमको अच्छा। जानती हो तो बनाओ और तुमको पैसा मिल जाएगा। तो उसने वो बनाया तो बड़ा एक्सरे ड्राइंग जैसे कहते हैं ना, लीनियर, तो बड़ी कमाल ड्राइंग बनाई उसने उस वक्त। तो वो उसको देख के फिर उन्होंने उसको काम देना शुरू किया, और ये फिर लाड़ो भाई को भी दिया, उनको रंग रोज दिया, क्या उनको कुछ पैसा भी दिया कि बनाया, क्योंकि वो मजदूरी उस वक्त 15 रुपए या 20 रुपए रोज मिलती थी 80 में, 80 1789-1880 में। की तो बात। मतलब अब इनको यहाँ ज्यादा पैसा मिला, ये पहली बार में ही मतलब एक ड्राइंग की तो 50 रुपया दे दिया, ऐसा कर दिया। तो उनके लिए तो बड़ा बहुत बड़ी सही अमाउंट बात। था सारा। तो धीरे धीरे करके वो उसने मतलब उस तरह से किया और अपने को डेवलप कर लिया। फिर उनके साथ और दूसरे भील आर्टिस्ट आने लगे, जब वो गांव जाती और बताती वहां से भी लोग आने लगे। तो ऐसे वो धीरे धीरे मालूम पड़ा कि पेमा पत्या एक बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है, ओझा भी है वो वहां का, और वो पिठौरा बनाता है, पिठौरा बनाते बनाते वो गाता भी है। तो ये सारी चीजों के बारे में उनका बड़ा ज्ञान था। वो जिस भी उसको, चाहे कोरकू हो, कोरवा हो, कोरवा लोगों का तो बड़ा कमाल, मतलब आप काम आप देखोगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट मॉडर्न आर्टिस्ट कर रहे हैं, ऐसे बिल्कुल कंटेम्परेरी आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। उन कोरवा लोगों का काम उन्होंने वैसे ही दिया। वो हम गए हुए थे वहां कोरवा में, तो वहां पे रेस्ट हाउस में उनको बुला के आ गए थे कुछ लोग, तो शीट दे दी और वो दे दिया, रंग दे दिया। तो वो लोग जब काम करने लगे तो इन्होंने पूछा आप क्या कर रहे हो, बोले मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ गवर्नमेंट को, शिकायत कर रहा हूँ। तो उसमें वर्ड कुछ क्या समझ में नहीं आ रहे थे, मगर उसका इम्पैक्ट ऐसा था कि जैसे कोई लिपि लिखी। लिपि तो लिखी उन्होंने बाद में एक कैटलॉग छापा जादुई लिपि के नाम से, मैजिकल स्क्रिप्ट करके, स्वामी हुई। जी। तो वो ऐसे बड़े अच्छे अनुभव थे, जो मतलब बहुत सारे लोग उस कला को किस तरह से देखते हैं और स्वामी जी किस तरह से देखते हैं, मतलब उन्होंने आपके अंदर जो छुपी प्रतिभा है वो कैसे बाहर आ सकती, अपना कुछ भी नहीं थोपना, आप कैसे कर सकते हो, वो आप करिए। वो अपने दोस्तों के साथ सब कैसे रहते थे, मतलब मिले जुले। दोस्तों के साथ बड़ा मजा आता है। जैसे निर्मल वर्मा बड़े खास दोस्त थे उनके, बहुत पुराने दोस्त थे हिमाचल से। तो एक बार का किस्सा आपको मैं बताऊंगा, आपको बड़ी हंसी भी आएगी। कि हम बैठे हुए थे, जैनेन्द्र जी है वो राइटर थे, उनके उसमें घर में यही भोपाल में आके उनको रेजिडेंसी मिली थी। तो हम बैठे वहां, कुछ बहस हो गई, वो किस बात पे हुई वो याद नहीं आ रहा, मगर निर्मल वर्मा का घर था वो, जहाँ ये सब सारे लोग बैठे थे। तो निर्मल वर्मा ने कहा स्वामी गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। तो मैं उनके पास में बैठा था, ले देख यूसुफ इसके बाप का घर है, गेट आउट फ्रॉम हाउस। हम दोनों उठ के आ गए। अब क्या हुआ, अब मैं तो डर गया, मेरे को तो मालूम नहीं था कि ये लोगों का झगड़ा कैसा होता है। तो कला परिषद में भारत भवन बना नहीं था, कला परिषद में ऑफिस लगता था, टेम्परेरी ऑफिस। उधर से निर्मल वर्मा आ रहे हैं सामने से, इधर से मैं और स्वामी जी जा रहे हैं अंदर। हाय स्वामी, निर्मल बोला हाय निर्मल, दोनों ने गले मिला। तो इस तरह का रहता था मामला, मतलब उसमें ऐसी नहीं कि गांठ बांध ली, दुश्मनी हो गई, ये कर दिया, मतलब वो फौरी था सारा जो कुछ भी था, बड़ा करेक्ट। हंसी मजाक लेकिन वाला। कोई कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर वो आर्ग्यू करते तो भी बहुत ठीक तरह से हाँ आर्ग्यू करते थे, बहुत हाँ वो मतलब। ऐसे ही झगड़ा झगड़े तक की नौबत आती थी, मगर दूसरे दिन सब ठीक, कोई कोई भी पॉइंट पे मतलब अच्छा। दोनों ही बड़े धुरंधर, मतलब जितने भी लोग थे वहां सब उठने बैठने वाले बड़े धुरंधर, बड़े ज्ञानी लोग, बौद्धिक किस्म के इंटेलेक्चुअल, वो उनके उससे एक भी पॉइंट छूटता नहीं था।
तो वो बहस सुनने में मजा तो आता था, मगर ये है कि कभी कभी पर्सनल हो जाता था मामला, मगर वो सही बात, दूसरे दिन खत्म, क्योंकि वो सब ड्रिंक किए हुए होते थे तो पता नहीं लगता था कि आपका उद्देश्य क्या है, आपको नीचा नहीं। दिखाना नहीं है। नहीं। और कोई ऐसी स्पेसिफिक उनके व्यक्तित्व के बारे में जो मतलब एक कलाकार की एक विशिष्ट उनकी एक उनकी बिहेवियर में या उनकी माइंडसेट में एटीट्यूड में ऐसे कुछ विशेष थिंग आपने देखा? बिहेवियर तो मतलब देखिए क्या होता है, जैसे हम लोग या दूसरे लोग भी कुछ काम करके लाते हैं, दिखाते हैं, बातचीत करते हैं, तो अब ये है कि अगर मान लीजिए उस तरह का काम नहीं है जो जिसको वो ठीक के बोले, अप्रूवी पॉइंट नहीं है, तो वो कहते हैं ठीक है और करो और करो, तो उससे समझ में आता था कि अभी मतलब हम उस लेवल पर नहीं है या उस लेवल का ये काम नहीं है, लेकिन मगर डिस्करेज जब नहीं किया। काम अच्छा हो जाता था तो जरूर कहते थे यहाँ यार अब बात बनी, तो लेकिन ये काम हाँ काम अच्छा नहीं होता तो डिस्करेज नहीं करेंगे, डिस्करेज नहीं बोले और करते थे, थोड़ा ये मेहनत उनकी करो। खासियत थी, बल्कि ये कहते थे और कर, तो और जब अच्छा हो जाता था तो बहुत मतलब उससे खुल के वो मतलब तारीफ भी कुछ कुछ करते थे। बड़े लोगों को मैंने देखा, वो जैसे कुछ काम बोलते ये ठीक नहीं, ये क्या खराब हुआ, ये क्या किया, वो क्या, डांटते नहीं हैं मतलब। ये कभी नहीं, ये कभी नहीं, ये उस इनकी वो बड़ा शायस्ता किस्म के थे, मतलब मैं बता रहा हूँ कि उस सरी का आदमी मुझे आर्ट फील्ड में कोई और मिला ही नहीं, मतलब उनकी वजह से बहुत सारे लोग उस तरह से काम करने शुरू किया, देखना शुरू किया, सोचना शुरू किया काम के बारे में, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि मतलब जैसे क्या करता है कोई कला का काम कैसे होता है, मतलब आर्ट क्या करती है, या सूरज क्या करता है, वो सूरज कोई संदेश नहीं देता, वो तो बस अपने लिए ही चमकता है, करेक्ट, ऐसे ही आर्ट है वो कोई संदेश नहीं देती, वो अपने लिए है, आप उसको उसी की तरह उसके लेवल पर जाके समझो, कोई भी कलाकृति है उसको उसके लेवल पर, आप उसके मतलब ढूंढना और वो निकालना शुरू करोगे तो फिर वो नहीं रहेगी उस तरह का, मतलब उनका ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर, विषयों पर, ऐसे पॉइंट्स पर होता बातचीत होती रहती थी, जिसमें मतलब बहुत सारे जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाते थे बातचीत करने से, कि भाई कला जो है अपने बारे में ही है, वो किसी दूसरे के बारे में नहीं है। दादा आजकल हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा है ना, एक कलाकार को दूसरे कलाकार से वैमनस होता है, जेलसी होती है, बहुत पॉलिटिक्स होता है, वो हम देखते हैं कैसा एक दूसरे हाँ को हाँ इसमें, वो उस टाइम पे उनके साथ वहां पे तब कैसी होती थी एक दूसरे के कलाकार के, मतलब वो क्रिटिसाइज करना या गेम खेलना पॉलिटिक्स करना ऐसा कुछ होता था, या वो कैसे डील करते थे वो सब? नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बूम के बाद की बात है, ये जब पैसा आने लगा कला में, इनके टाइम में तो पैसा था ही नहीं, बड़ी मुश्किल से किसी का एक आध कुछ बिक गया, मतलब मुझे याद है कि 1200 में 3 काम बेचे थे एक बार, क्या 1200 बात, रुपए में, हाँ अब आप सोचो, एक बार तैयब मेहता का बहुत जो है तबीयत खराब था, कैंसर हो गया, गले में कुछ हो गया था, 75,000 रुपए में 2 काम, वो बड़े बड़े काम, जब ओ तैयब माय मेहता बाद में 11 करोड़ 12 करोड़ में बिके, आप या सोचो, तो उस टाइम में ये सब कुछ था नहीं, सिर्फ सैद्धांतिक और जो बौद्धिक बातें होती थी, इंटेलेक्चुअल की जो होती थी, वो सारी चीजें थी, ज्ञान की बातें होती थी, उसी में ही वो आपसे थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, मगर दूसरे दिन सब मिलते थे, वैसी दुश्मनी नहीं होती थी कि गांठ बांध ली, और टांग मारने का तो सवाल ही इसलिए नहीं होता था कि वो गिने चुने लोग थे, इतने सारे लोग भी नहीं थे, इतना पैसा भी नहीं था, तो वो जो बहुत ही मुश्किल से ये सारा सब चलता था, तो मेरे को वो पीरियड से मालूम है, तो मुझे भी ये मालूम है कि मैंने भी जब शुरू किया था तो मैंने पैसे की कोई उम्मीद नहीं थी, मतलब कि पैसा मिलेगा, अपन तो काम करते थे, अच्छा लगता था काम करते थे, उसके चलते बिकने लगा, लोग अप्रिशिएट करने लगे, उसको कलेक्ट करने लगे, वो बात अलग है, तो सेम चीज थी, ये बूम के बाद लोगों का भी ये होने लगा कि भाई हम हैं, दूसरा नहीं हो, इसको काटो सही, इसको करो, तो ये जब पैसा बहुत आ गया उसमें तब ये सारी चीजें हुई, शुरू में ये नहीं थी, शुरू में बड़ा प्रेम था, बहुत प्रेम था, अभी भी मतलब वो पुराने जो लोग मिलते हैं, हाँ मतलब जब भी दिल्ली जाते थे, मैं स्वामी जी के साथ जाता था,
तो सीधे हाँ राम कुमार के घर, कृष्ण गन्ना के घर ऐसे बैठे हैं, ड्रिंक हो रहा है, बातचीत हो रहा है, खाना हो रहा है, ये सब मतलब अच्छा, बड़े खुश हो गए, दिल खुश हो गए मिलते। तो बहुत ये वैमनस्यता तो अभी इसके बाद आई है, 90 के बाद, आप समझ। सही बने। आपने ये बात सही कही, क्योंकि मेरे गांव में जहाँ पे मैंने भी वो पुराने जनरेशन के वो भी कुछ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, फोक आर्टिस्ट होते हैं, राइटर्स होते हैं, मैंने उनसे, मैं मिलता हूँ, बात करता हूँ, वो भी आपकी तरह वो कहते थे कि हमारे टाइम पे पैसा नहीं था, हमारे पास पॉलिटिक्स सब नहीं था, मिलते थे, लोग बात करते थे, पढ़ते थे दादा, वो जिंदगी को अनुभव करते थे और ईमानदारी से एक्सप्रेस करते थे वो सब। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त की पीरियड की सबके लोग वो एक कला योगी की तरह, जेब में पैसा नहीं था हाँ लेकिन बिल्कुल ज्ञान बिल्कुल, वो संत किस्म के था, लोग थे, संत के थे। ज्ञान था, प्रेम था, प्रामाणिक था, ईमानदारी थी, काम करके चले गए उसमें बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा। ऐसे ही ये बाबा कारंत भी ऐसे ही थे, मतलब ये सब संत किस्म के लोग थे जो मतलब उस तरह से पूरी तरह से कला में डूबे हुए थे। वो बाद में उनको पैसा मिलने लगा, रिकॉग्नाइजेशन मिलने लगा, वो बात की बात है, वो उसके लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया कि भाई मुझे ऐसा बड़ा आर्टिस्ट बनना है। जैसे आजकल लोगों के दिमाग में रहता है कि बड़ा आर्टिस्ट बनना है तो ये भी करना है, वो भी करना है, और एडवर्टाइजमेंट भी करना है, शो ऑफ भी ड्रामा करना ज्यादा है। होता है हाँ, या काम तो कम वो ड्रामा ऐसा कुछ, ज्यादा। तो जितना सेल्स थे वो मतलब इसीलिए उस हमसरी के छोटे लोगों से भी उस लेवल पर आके बात कर लेते थे, इतने बड़े लोग, सही बात, सही ये बात। बड़ी बात है। जो ऐसे लोगों के साथ, आप जैसे लोग लोग जो उनके साथ समय बिताए, या सौभाग्य, आप लकी हो सब। अभी तो हम सिर्फ हाँ उनके कलाकृति देख सकते हैं, बातें सुन सकते हैं आप जैसे लोगों से, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उस वक्त उस जमाने में वो जो वाइब्रेशन आपने एक अनुभव किया, वो रहते उनके साथ, आई थिंक वो कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी आपको वो बोध नहीं दे नहीं सकता, वो एक्सपीरियंस नहीं दे सकते। नहीं दे मैं सकता जब जो। स्टूडेंट था ना तो मैं अलग रहता था, काम करता था अलग रह के, घर से अलग रह के, एक रूम ले रखा था, करता था। तो स्वामीनाथन उस वक्त ग्वालियर में आए थे किसी प्रोग्राम में, तो मेरे को ढूंढते हुए वो मेरे रूम पर आए। क्या बात मतलब है, सोचो, तो मैं स्टूडेंट था, करेक्ट। आप सोच ही नहीं सकते, वो इतने सहज थे कि वो, क्योंकि कभी मैंने उनको लिखा था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपके अंडर में स्कॉलरशिप करना चाहता हूँ, तो देखने वो फिर वो सब ड्राइंग व्राइंग जो देखी जो मैं करता था, सारा बैठ के 1-2 घंटा मेरे साथ गुजारे उन्होंने। तो क्या ये बात, उनका ना बड़ापन था कि इतने सहज थे वो, कि मतलब मैं सोच ही नहीं सकता। मतलब दूसरे लोग तो डरते हैं अभी, उनसे भी जब वो थे तो बात करते में हमसे कहते थे यार बात करा दो, डरते थे। मैंने क्या कहा नहीं यार वो बहुत सहज है, शक्ल से जरूर ऐसा लग रहा है तुमको कि बड़े गंभीर किस्म के हैं और बात नहीं करेंगे, मगर वो बात करेंगे, आप करो तो सही बात। रोजमर्रा जिंदगी में कभी हास्य मजाक कॉमेडी करते थे, किसी की अरे टांग बहुत खींचना वगैरह सब ऐसा बहुत बहुत करते थे, बहुत मतलब इतना छोटा छोटा आपके साथ कि कभी हुई? एक बार वो अर्जुन सिंह चीफ मिनिस्टर थे तो मेरे को बोलते हैं, पता है यूसुफ अर्जुन सिंह की खोपड़ी में तुम कील डालोगे ना, नट बोल्ट बोल्ट बन के निकलेगी वो। बोले ऐसा दिमाग है, तो मतलब इस तरह की मजाक भी करते थे बहुत। और ऐसी छोटी छोटी तमाम सारी ऐसी चीजें थी जिसमें वो मतलब उनका रहता था, हास्य आपकी रहता कभी था। टांग खींची है उन्होंने? आपके साथ कभी कोई मस्ती की है? हाँ, मेरे को तो मतलब जैसे मैंने बताया ना इज में, तो उन्होंने फिर बताया कि भैया ये तुम ऐसे मत सोचो, ऐसे बहुत सारी चीजों में गाइड करते रहते थे। मतलब उनका टांग खींचना या कान खींचना मतलब मेरे को बुरा इसलिए नहीं लगता था कि मैं सीख रहा हूँ, सीख रहा जान हूं, रहा हूँ उनको कि भाई वो जिस लेवल के थे उस लेवल को जानना बड़ा मुश्किल है। आप सहज बन के और बहुत विनम्र बन के ही सीख सकते हो, तो मैं उनका ख्याल भी बहुत रखता था उस तरह से कि उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो, चाहे खाने पीने का हो, चाहे रहने का हो, चाहे पैसे की कमी का हो, कुछ भी हो, मैं मतलब हमेशा ध्यान रखता था उस तरह से। भारत भवन उस वक्त जब वो बने थे, जब वो थे, आज भारत भवन है, उनके बिना क्या फर्क महसूस होता है दादा? अरे बहुत फर्क हो गया, तो वो भारत भवन ही नहीं रहा, वो
एक शहर का लोकल वो हो गया इंस्टीट्यूशन, वो इंटरनेशनल था उस वक्त, अब लोकल हो गया। उससे आप समझ लो आप कि क्या हुआ, मतलब उसका जो ऑफ व्हाइट वाल है, वाल होती थी डिस्प्ले के लिए, अब येलो कलर की वाल है, नीचे रेड कलर का फ्लोर है, मतलब बहुत अजीब टाइल्स लगा दिए, तो शाइन कर रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है, लाइट की जगह ट्यूबलाइट लग गई है, मतलब बिल्कुल उसका ऐसा हुआ कि बस आप पूछो मत। मतलब वो भारत भवन जिसके लिए बनी थी, जिस तरह बनी थी, और स्वामीनाथन ने वो कैसे, वो नहीं रहा अभी। वो चार स्कोरिया का भारत भवन नहीं रहा, वो कुछ और ही हो गया, कुछ फंक्शन होता है तो कुछ अजीब से गेट वेट लगा देते हैं, वो प्रिंटेड वो लगा लो के बैनर एनर, तो वो मतलब वो जो ग्रेस है ना उसका, जो पहले लोगों को लगता था ये दिल्ली आ गया यहाँ पर, भारत भवन में घुसते ही कि दिल्ली शरीर का वो मामला दिखता था कि नीट एंड क्लीन और बड़ा अलग तरह का एपीरियंस था, घुसते ही उसमें लगता था, मगर अब वो अजीब सा कुछ हो गया। खैर, वक्त के साथ में क्या क्या होता है हाँ वो तो इसमें, ऐसे इंस्टीट्यूशन बनते रहते हैं, बिगड़ते भी रहते हैं, कुछ नहीं ऐसा, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन मैंने देखे बनते बिगड़ते। हाँ फिर कभी कोई स्वामीनाथन की चेतना जैसा कोई पैदा होगा, फिर कभी बिल्कुल निकला ऐसा। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। बट सही, मुझे लगता है कि ऐसे लोग हम हमेशा मिस करेंगे, ऐसा ऐसे जो बिल्कुल, मैं शख्स। तो रोज, हम लोग को रोज याद करते हैं, रोज कोई ना कोई बहाने से नाम निकल आता है, कि बिगड़ स्वामीनाथन के एक दिन भी नहीं जाता, बल्कि हमेशा लगता है कि वो मेरे साथ है। आप तो, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि क्योंकि आप इतने बड़े बड़े दिग्गज लोगों के साथ वक्त बिताए, ऐसे ऐसे कला साधक, कला योगी के साथ, आज वो सब नहीं है, तो आपको काफी खालीपन नहीं रखते दादा? बहुत खालीपन लगता है बहुत, बल्कि वो माहौल ढूंढने की कोशिश करता हूँ, मिलता नहीं है। अभी जिससे भी बात करो वो सब पैसा बिक्री और उसकी बात करते हैं, तो वो ठीक नहीं लगता, मतलब आप इसके लिए थोड़ी बने हो, हाँ, आपने जब शुरू किया था कला का काम तो आपने ये सब थोड़ी सोचा था कि हमारा बिकेगा, अवार्ड मिलेगा, ये शो होंगे, ये होगा, आप तो काम करने के लिए शुरू किया था, तो अब वो वैसे लोग नहीं है उस तरह से बात करें या उस तरह से बैठे। मतलब कला को कला की दृष्टि से नहीं, बड़ा कमर्शियल, एक प्रोडक्ट की हाँ दृष्टि कमर्शियली, से, तो तो आपको एटीट्यूड उसकी सबका वैसे ही दृष्टि हो गया, ऐसा। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि उन सरी का आदमी मुझे अभी तक नहीं मिला। आपका उस वक्त को और इस वक्त को काफी मिस करते हैं ऐसा। हाँ बहुत ज्यादा बहुत डेफिनेटली ज्यादा। डेफिनेटली मैं समझ सकता हूँ उसको, मैं डेफिनेटली समझ सकता हूँ कि कैसा होता है इसमें। बहुत खूब दादा, हमने 1 घंटा बैठ के स्वामीनाथन जी के बारे में, मैं सही 1 घंटा मुझे कैसा निकल गया समझ में नहीं आया, बट मैं महसूस कर सकता हूँ आपकी बातों से, मैं तो खो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भोपाल में शायद घूम रहा हूँ, उधर स्वामीनाथन जी को महसूस कर रहा था ऐसा। बिल्कुल डेफिनेटली मैं आना चाहूंगा, मैं जब भोपाल आऊंगा। जरूर आइए, आपका स्वागत है ना, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को दोबारा से उस मेमोरी में डाल के रिकॉल करने का मौका दिया, और मैं उनको ये मेरी उनको श्रद्धांजलि भी है, और ये एक डेफिनेटली जो याद करने का एक मौका मिला और आपके साथ शेयर करने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डेफिनेटली डेफिनेटली, ये हमें हर मौका की तलाश रहेगी जहां पे हम बड़े बड़े दिग्गज, बड़े जो कला योगी बन के गए, उनको याद करने का मौका मिला। एंड आज इस मौके पर मुझे लगता है स्वामीनाथन जी के बारे में हम थोड़ी बहुत भी स्मरण करेंगे, तो थोड़ी बहुत भी कुछ उनकी कलाकृति, उनके जीवन शैली, उनकी पद्धति कुछ जानने के, तो कहीं तो कोई एक कुछ तो थोड़ी बहुत ऊर्जा तो निकलेगी इसमें, नहीं बनेगी। नहीं बिल्कुल, बहुत तो वैसे ही बहुत इंस्पायरिंग है, नहीं भी होते हुए भी तो हमारे लिए तो अभी है वो उतने। यस, तो थैंक यू वेरी मच दादा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आपका दिस। भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मित्रों, आई एम श्योर दैट यू लाइक दिस इंटरेक्शन। जय स्वामीनाथन जी के बारे में यूसुफ जी ने अपने सारे अनुभव, पुरानी यादें, पुरानी कहानियां याद करके हमारे साथ शेयर किया। आई होप यू ऑल गाइज एंजॉयड दिस। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आर टीवी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दादा, थैंक यू।